गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम मैथ बुक भरेंगे। ठीक है, मैथ बुक पेज नंबर कितना है? 19। कल 19 में देखो दोनों साइड है, दोनों साइड में से मैं एक साइड भरी थी और समझाई भी थी। उसमें क्या लिखा है? राइट व्हाट कम्स आफ्टर 1 से 20। 1 से 20 तक हम आफ्टर नंबर यानी बाद की संख्या लिखेंगे, है ना। मैं कल समझाई थी 8 के बाद क्या आएगा बच्चे? 9। 5 के बाद 6। 10 के बाद 11। 2 के बाद 3। 15 के बाद 16। 9 के बाद 10। 4 के बाद 5। 16 के बाद 17। 3 के बाद 4। 18 के बाद 19। कल मैंने समझा दी थी, है ना। ये भी बोली थी कि इसको भर लेना। और देखिए बच्चे, दूसरा साइड में आज हम भरेंगे। ठीक है, बाद की संख्या। ओके बच्चे, देखो ये क्या ऊपर लिखा है? 40। टी मीन्स टेंस, सो मीन्स वंस, टेंस यानी वन है टेंस में, टेंस बक्सा में देखो, और वंस बक्सा में 4 है, हो गया 14, है ना। 1 और 4 14, 2 डिजिट का है ना, 14 हो गया। 7, उसका देखो टेंस की बक्सा खाली है यानी एक संख्या है 7, है ना। तो 17, 2 डिजिट है, 1 और 7, है ना, 2 संख्या का है, 1 और 7। इस तरह देखो 19 भी 2 डिजिट का है, 13 2 डिजिट का है, 1 इसका टेंस बॉक्स खाली है, कुछ नहीं है यानी 1 संख्या है ना। उसके बाद 12 भी 2 डिजिट का है, 2 है ना, 1 डिजिट का है। 11 2 डिजिट का है, 6 1 डिजिट का है ना, 1 संख्या है, इसका टेंस नहीं है, टेंस खाली है बक्सा देखो। इस तरह हम यह क्या लिखेंगे? बाद की संख्या। बच्चे देखो 14 के बाद क्या आएगा? 15 यानी टेंस में लिखेंगे 1, वंस में लिखेंगे 5, हो गया 15। 7, 7 के बाद क्या आएगा बच्चे? 8, इसका टेंस नहीं है, इसका भी टेंस नहीं है ना, देखो खाली है बक्सा, ये भी कुछ नहीं है, खाली है ना। 17 के बाद क्या आएगा बच्चे? देखिए 18, 1 और 8 18, है ना, टेंस की बक्सा में 1, वंस की बक्सा में 8, है ना 18। ये क्या है बच्चे? 19, 19 के बाद क्या आएगा? 20, क्या आएगा? 20, 2 लिखेंगे टेंस की बक्सा में और 1 की बक्सा में 0, है ना। उसके बाद उस तरह देखिए 13, 13 के बाद क्या आएगा? 14, 1 और 4, ठीक है, 13 के बाद आएगा 14। उसके बाद 1, 1 के बाद देखो बच्चा 2, 1 एक डिजिट का है ना, 1 डिजिट, ये 2 भी 1 डिजिट का, इसका टेंस है ही नहीं, ठीक है, टेंस बक्सा खाली रहेगा। उस तरह 12, 12 के बाद क्या आएगा बच्चों? 13, टेंस की बक्सा में 1, वंस की बक्सा में 3, उसके बाद आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा बच्चे? 2 के बाद आएगा 3, सिर्फ 3, टेंस की बक्सा खाली रहेगा, कुछ नहीं लिखना, ठीक है। उस तरह देखिए बच्चे 11, 11 के बाद क्या आएगा? 12, 2 डिजिट का है, टेंस की बक्सा में 1, वंस की बक्सा में 2, हो गया 1 और 2 12, 6 यानी सबसे लास्ट है 6, 6 के बाद क्या आएगा बच्चों? 7 आएगा, टेंस का बक्सा खाली है, क्योंकि ना ये 1 डिजिट है, उसका टेंस है नहीं, ठीक है। जैसे 6 है 1 डिजिट का, उसका टेंस खाली है ना बक्सा, तो इस तरह 7 1 डिजिट का है, तो उसका टेंस बॉक्स में कुछ नहीं लिखना। आया समझ में बच्चा? ये है बाद की संख्या। आप लोग इस तरह बुक भरना, पेज नंबर 19, और मेरे पास ले आना, मैं चेक करूंगी। ओके बच्चे, थैंक यू। अगर समझ में नहीं आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं बता दूंगी, ठीक है बच्चे।